टीचर में आप सभी का स्वागत है। मैं लिखा हुआ LDC भर्ती 2013 वेरिफिकेशन लिस्ट संबंधित सूचना। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसका जो लिस्ट है वेटिंग लिस्ट डाल दिया गया है। इसमें झुंझुनू और वारा के अलावा सभी जिलों का वेटिंग लिस्ट डाल दिया गया है और कुछ ही दिनों में इन दोनों जिलों की भी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें भाई एप्लीकेशन नंबर या एप्लीकेंट नाम डाल करके आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ 3 स्टेपों में, फर्स्ट में तो आपको जिला डालना पड़ेगा जिस जिले से आपने फॉर्म डाला है, और सेकंड में अपनी कैटेगरी चुने। कैटेगरी चुनने के बाद उसमें और लिखा होगा कितना कैंडिडेटों को लिया गया है। उसके अलावा हम एप्लीकेटर नेम लिखें या फिर उसमें जैसे आप एप्लीकेट नेम लिखाओगे तो आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, और इसके अलावा उस पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी डेट को वेरिफिकेशन होना है और आपका वेरिफिकेशन होना है या नहीं होना है। ठीक है ना भाई, संपूर्ण जानकारी के बाद आप देख सकते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले आप इस वाली लिंक पर जाएँ, एग्जाम prajrajasthangov.in वेरिफिकेशन लिस्ट। इस पर जाने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, इस पर जैसे आप जाओगे तो वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी, इस पर आप ओके करोगे। जैसे ही आप ओके करोगे तो इसमें आपको जिला भरना है। जैसे माना कि आपके पास अजमेर भरना है तो आप अजमेर पर ओके करोगे। आप यदि अजमेर ज़िले से हैं फिर आप गो पर जाओगे। जैसे ही आप गो पर जाओगे तो आपके सामने इस प्रकार का लिस्ट आएगा, आप देख सकते हैं। अनरिजल्ट का टोटल कितना लिया गया आप देख सकते हैं, इसमें ये भी बताया गया इसमें, तो अनरिजर्व का बताना है। और इसके अलावा SBC और OBC का टोटल कितना लिया गया है 83, इस तरह से दिखाया गया है इसमें। ठीक है ना भाई, और जैसे ही आप ऐसे जाओगे तो इस पर आपको देखना, जैसे आप जनरल से हो तो आप जनरल से जाने के बाद ऑल में आप जाओगे, अगर फीमेल है तो फीमेल में इस तरह से, तो ऑल में जैसे आप गए सो पे ओके किया। करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर, इसमें नाम डालना है खुद का नाम। ठीक है ना भाई, जैसे इसमें एप्लीकेशन नंबर डाल दिया आपने, जैसे राहुल पर माथुर डाल दिया। यदि ये किसी प्रकार का कोई कैंडिडेट है जैसे झालावाड़ से था है, तो जैसे आप ओके करोगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड, अर्थात ये अगर कैंडिडेट इसमें होता तो इसका रिकॉर्ड आ जाता कि कैसे इसका सिलेक्शन हुआ, कब इसका वेरिफिकेशन है, सब कुछ इसका इसमें दिखाया जाता। ठीक है ना भाई, इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। तो आप यदि जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास इसमें आप अपना नाम या फिर एप्लीकेशन नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, जैसे कोई नई अपडेट आती है तो आप तक सेंड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।